हाय एवरीवन, आज मैं एक और व्हाट आई ईट इन अ डे वाली वीडियो शूट कर रही हूँ। ये मुझे आप लोगों के लिए शूट करना बहुत पसंद है, क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग भी हमेशा हेल्दी खाएं और अपने स्किन, हेयर या बॉडी से रिलेटेड इश्यूज से छुटकारा पाएं। और इस वीडियो से मेरी बहुत सारी यादें भी जुड़ी हैं, तो हमेशा मैं इस टाइप की वीडियो आप लोगों के लिए शूट करती रहूँगी। अब जैसे कि ये तो आप लोगों को पता ही है कि फ्रेश होने के बाद मैं हमेशा गर्म पानी पीती हूँ, पर उससे पहले आजकल मैं एम्प्टी स्टमक एक चम्मच घी खाती हूँ। ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया है मुझे ऐसा करते, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि ये डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को क्योर करता है, टॉक्सिन्स रिमूव करने में एंड कोलेस्ट्रॉल रेगुलेट करने में हेल्प करता है। घी एक सुपर फूड है, इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स, हेल्दी फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं। हेल्दी स्किन एंड हेयर के लिए बहुत ही अच्छा है ये। इसके बाद मैं ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ, आमंड्स, कैश्यू, अंजीर वगैरह। ये हार्ट हेल्थ से लेकर बोन हेल्थ, गट हेल्थ इम्प्रूव करते हैं और स्किन को हेल्दी रखते हैं। ये सब खाने के बाद मैंने साफ सफाई किया, जो कि मैंने शूट नहीं किया, सीधा मैंने ब्रेकफास्ट रिकॉर्ड किया। ब्रेकफास्ट में आज इडली डोसा है। मुझे इडली से ज्यादा डोसा पसंद है, पर ये मैं कभी भी बाहर का नहीं खा सकती हूँ, ये मुझे घर का ही पसंद है और मैं ये हमेशा घर में बना ही खाती हूँ। पहले मेरी मम्मी बनाती थी, अब भाभी ने भी सीख लिया है, तो वो भी बहुत टेस्टी बनाती है। और ये मुझे नारियल और मूंगफली की चटनी के साथ पसंद है। पापा तो मेरे अभी दिल्ली में है, वरना ये हमारे यहाँ एवरी संडे बनता है। मेरी मम्मी को सारी डिशेस बनानी आती हैं, चाहे वो साउथ इंडियन हो या फिर मोमोज, नूडल्स वगैरह हो। थोड़ा अपना काम वगैरह करने के बाद मैं जिम गई और वहाँ 22-30 मिनट्स मैंने वर्कआउट किया, फिर मैं घर वापस आ गई। वर्कआउट के बाद मुझे स्मूदी बना के पीना पसंद है। इसके लिए जो फ्रूट्स घर में होते हैं वो लेती हूँ और उनके साथ प्रोटीन पाउडर मिक्स करके ब्लेंड कर लेती हूँ। ये एक तो ईजिली बन जाता है और पीने में भी टेस्टी लगता है। वैसे तो लोगों को लगता है, जो लोग जिम जाते हैं या बॉडी बिल्डर्स को प्रोटीन लेने की ज़रूरत है, पर ये गलत है। हम सबको हमारी बॉडी के हेल्दी फंक्शनिंग के लिए प्रोटीन की ज़रूरत है। स्पेशली 30 ईयर्स के बाद फीमेल्स को अपने बॉडी में मल्टीपल चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि हेयर फॉल, स्किन डलनेस एंड स्लोअर मेटाबॉलिज्म, जो उनके लिए अपने वेट को मैनेज करना मुश्किल बना देते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए HK Vitals ने स्पेशली वुमेन के लिए इंडिया का पहला 100% वेजिटेरियन सप्लीमेंट वुमेन्स स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी नीड्स के लिए बनाया है। क्या आपको पता है, हमारा स्किन, हेयर और नेल्स प्रोटीन से बने होते हैं और 70% इंडियन वुमेन में प्रोटीन की कमी है, जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है और स्किन इलास्टिसिटी कम हो जाती है। HK Vitals प्रोटीन अप वेमेन में हाई स्ट्रेंथ ट्रिपल ब्लेंड प्रोटीन है, वे सोय एंड स्किम्ड मिल्क पाउडर के साथ बायोटिन, कॉलेजन बिल्डर, गार्सिनिया एंड ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है। इसका ट्रिपल ब्लेंड प्रोटीन आपको ज्यादा टाइम के लिए फुल रखता है, अननेसेसरी मंचिंग कट करने के साथ स्ट्रेंथ एंड एनर्जी को बूस्ट करता है। गार्सिनिया एंड ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है, क्योंकि ये नेचुरल फैट बर्नर्स हैं। विटामिन सी एंड आमला एक्सट्रैक्ट के साथ कॉलेजन बिल्डर स्किन को ग्लोइंग बनाएगा। इतना ही नहीं, इसमें बायोटिन की डेली रिक्वायरमेंट का 100% भी मिल जाएगा, जो हेयर स्ट्रेंथन करता है एंड हेयर फॉल को कम करता है। इन सब के साथ ये एक टेस्टी फ्लेवर में आता है, दैट हैज नो एडेड शुगर एंड इज 100% वेजिटेरियन, और ये पूरे दिन एनर्जी लेवल बनाए रखने में हेल्प करेगा। इसको आप स्मूदी के अलावा पानी में भी मिक्स करके पी सकते हैं। लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप चेक कर सकते हैं।
नहाने के बाद मैं यहाँ वाले घर में आ गई थी लंच के लिए। ऐसे मेरा अप डाउन होता रहता है, कभी भाभी वहाँ खाना भेज देती हैं तो कभी मैं खुद आ जाती हूँ यहाँ पे। बाकी जो जल्दी बन जाए वो मैं वहाँ खुद बना लेती हूँ, पर जिसमें टाइम लगता है वो मैं नहीं बनाती हूँ। वैसे तो यहाँ सारी सब्जियाँ 12 महीने मिलती हैं, पर जो मटर ठंडियों में मिलती है उसका निमोना बहुत अच्छा बनता है। निमोना हमारे यूपी की फेमस डिश है। हमारे यहाँ तो ये ठंडियों में बहुत बनता है। हालांकि यहाँ ठंड नहीं होती है, पर इस सीजन का मटर और मटर का निमोना खाने में बहुत मजा आता है। आप लोगों को अगर इस डिश के बारे में पता है तो मुझे जरूर बताना, और किस किस को ये मेरी तरह पसंद है ये भी बताना। वैसे अगर आप ये ट्राई करना चाहो तो इसका लिंक मैं दे दूंगी, मेरी भाभी ने बना के मेरे भाई के चैनल पे अपलोड किया हुआ है, तो अगर कभी ट्राई नहीं किया है तो जरूर ट्राई करना। लंच करने के बाद मैं यहाँ वापस आ गई क्योंकि मुझे शूट वगैरह करना था, और अपने साथ मैं दही लेकर आई थी। अब इसमें कुछ फ्रूट्स वगैरह कट करके डालूंगी और यही खाऊंगी। आजकल मैंने शुगर स्पाइसी फूड वगैरह बंद कर रखा है। वैसे भी मैं नहीं खाती हूँ, पर अभी थोड़ा ज़्यादा बंद कर दिया है, मतलब जो खाती भी थी ना थोड़ा बहुत वो भी बंद कर दिया है मैंने, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है और मेरी बॉडी इतनी सेंसिटिव है ना कि ज़रा भी ऊपर नीचे होता है तो बर्दाश्त नहीं होती है, पिंपल या एक्ने वगैरह हो जाते हैं। तो मैं सादा खाना ही खाती हूँ, उसमें ही भलाई है और मुझे सादा खाना ही पसंद है। वैसे ये बताने की तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि शाम को मैं चाय पीती हूँ, पर यहाँ होती हूँ तो वो मिस हो जाता है। सामान तो यहाँ पे सब कुछ है, पर मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं यहाँ पे चाय बना पाऊँ, तो चाय तो मैं वहाँ पे ही घर पे पीती हूँ। यहाँ कभी कभी कॉफ़ी पी लेती हूँ। अभी मैंने नहाया, दिया जलाने का टाइम हो गया था, और शाम को पूजा मैं हमेशा नहा के ही करती हूँ। पूजा करने के बाद मैं घर पे जाऊंगी खाना लाने और वापस आऊंगी फिर से यहाँ पे, क्योंकि मुझे शूट वगैरह का काम है और वो सब मैं यहीं पे करती हूँ। वहाँ मैं एडिट वगैरह कर लेती हूँ या फिर कोई काम नहीं होता है तो वहीं पे ही होती हूँ, पर जब शूट एडिट ये सब काम रहता है तो मुझे यहाँ पे आना पड़ता है। अपना खाना लेने आई थी यहाँ पर जुनू और राजा को कैसे भूल सकते हैं, तो उनका भी खाना मैं लेकर के आ गई, पर इन्हें इनका खाना नहीं पसंद आ रहा था, मेरा खाना ज़्यादा पसंद आ रहा था, तो मैंने इन लोगों को वो भी खिलाया। मुझे नहीं पता था ये लोग खाएंगे, पर मैंने ऐसे ही थोड़ा सा ट्राई किया कि खाते हैं कि नहीं खाते हैं, पर उनको पसंद आया तो मैंने उनको भी खिला दिया। डिनर में पनीर पराठा सब्जी और चटनी बनी थी, तो मैं सिर्फ पराठा और चटनी लेकर के आई, सब्जी नहीं लेकर के आई मैं, क्योंकि मेरा मन नहीं था खाने का। चटनी में मैंने कुछ भी नहीं मिक्स किया हुआ है, सिर्फ टमाटर और अनियन है। इसमें मैंने मिर्च वगैरह कुछ भी नहीं डाला है क्योंकि मुझे अभी मिर्च वगैरह खाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है, ना ही मुझे मसाला वगैरह खाने का मन होता है और ना ही मुझे मिर्च खाने का मन होता है, मुझे बिल्कुल प्लेन खाना चाहिए होता है, तो इसलिए मैंने ये चटनी बनाई थी। डिनर हम लोग 8:30 तक कर लेते हैं और उसके बाद टीवी देखते हैं या फिर जो भी काम वगैरह होता है वो करते हैं। डिनर करने के बाद मैं वीडियो एडिट कर रही थी, फिर 10:30 के आसपास मैंने ग्रीन टी बनाई। ग्रीन टी मुझे नाइट में पसंद है तो मैं इसी टाइम पीती हूँ, और इसको पीने के 1-2 घंटे बाद मैं सो जाती हूँ, पर अगर ज़्यादा देर काम रहता है तो मुझे बहुत देर तक जगना पड़ता है तो इतनी जल्दी भी नहीं सोती हूँ। तो यही सब, मुझे सिंपल चीज़ें खाना पसंद है जो हेल्दी भी हो और मेरी स्किन को सफ़र भी ना करना पड़े। आई होप आप लोगों ने वीडियो एंजॉय की हो, और जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। बाय।